प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट साजिद तारा साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसे लेटेस्ट मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अगर देखा जाए तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस इतनी पिछले 10 साल की है, मैं समझता हूँ उनको ऐसी इससे इतना भी करते तो फिर भी उन्होंने बड़ी क्लियर मेजोरिटी ले ली थी, इसमें कोई शक नहीं। इस पे कहूंगा गौतम अडवाणी, फिर लोगों जो बातें जो खासकर करते हैं कि गौतम अडवाणी और अंबानी ग्रुप के बारे में, इसमें भी आर्टिकल में लिखा था और भी कई चीजें दूसरे मैंने अखबार के अंदर पढ़ी है कि ट्रिकल डाउन इकॉनमी काम नहीं कर रही है भारत के अंदर, देहात जो है वहां पे गुर्बत काफी है, बहुत गुर्बत, ये ऐसी चीजें लिखी। फिर एक और आर्टिकल लिखा गया है इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, भारत और वियतनाम को कंपेयर किया गया है, जो चाइना से लोग निकल के, चाइना से जो बिजनेस निकल के जाता है उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है वियतनाम। उसमें उन्होंने कहा है कि खासकर जो चीजें उस आर्टिकल में लिखी गई हैं, 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, उनके लॉज जो है हर स्टेट के डिफरेंट है। एक तो ये उन्होंने डिफिकल्टी कही है कि वियतनाम के अंदर ऐसा मसला नहीं। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरी जो उन्होंने जो सामने चीज लिखी उस आर्टिकल में कि रेट जो है लेबर का, जो लेबर वियतनाम की सस्ती है भारत की लेबर से। तीसरा मसला उन्होंने कहा कि भारत के अंदर टैक्स ज्यादा है, इम्पोर्ट का टैक्स ज्यादा है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, वियतनाम के अंदर वो नहीं है। फिर उस जब मैं यही इस पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई मेरे सामने, आई वाज शॉक्ड। वियतनाम इज अ स्मॉल कंट्री लेकिन उसके 45 एयरपोर्ट्स हैं, 286 पोर्ट्स हैं जिसमें से 9 सी पोर्ट्स हैं, 16 लैंड पोर्ट्स हैं और 706 मिलियन टन कार्गो हर साल प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है वियतनाम, अमेजिंग। दूसरा सोशलिस्ट पार्टी है, एक पार्टी है, उनको वहां पे अपोजिशन नहीं है, इस तरह की कोई चीज नहीं है, यूनियन है जो, अगर आप, उनके साथ सोशलिस्ट पार्टी के साथ आप फिट हैं तो आपको किसी चीज की परेशानी सोच नहीं। अब खासकर इसी हवाले से एक चीज मैं और मिस नहीं करना चाहूंगा, बिलखसूस उस रीजन के अंदर, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में क्या रखा, अल्टीमेटली वी आर पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन, मेरी मादरे मिल्लत है, हालांकि मुझे वहां से कोई अच्छी खबर कभी नहीं आती है, अफसोस है, दुख है मेरा, ये मैं सुनना चाहूंगा, कान तरस रहे हैं इस बात। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने तशवीश का इजहार किया है कि इस साल ये जो IMF आपका बजट बनाएगा, आप लोन लेंगे, इससे मजीद 1 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की शरह से नीचे जाए। मुझे हालांकि इस पर इतराज है, मुझे तो लगता है इससे ज्यादा जाएंगे, आप पहले भी इनके नंबर को पूरे ठीक नहीं होते, जो इस वक्त महंगाई के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। सर इनके पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, ये IMF के पास ना जाए तो करें क्या? ये नहीं, नहीं मुझे ये बताएं IMF के पैसे पाकिस्तान आरजू आपके क्या ख्याल में पहुंचते हैं? आपको कुफायदा है अगर IMF के पैसे ना लिए जाए? आपको कुफायदा होगा? IMF के पैसे तो सिर्फ दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज के लिए लिए जाते हैं, इनके बच्चों के खर्चे, पहले आपको क्या फायदा हुआ आज तक IMF के पैसों का? आपका मोटरवे बनाया गया वो तो कोरिया ने बनाया, वो तो लोन पे बना था, आपके ट्रैश का ठेका तो वो तो टर्की को दिया गया था लाहौर, आपकी कोई भी चीज बनती है CPEC चाइना वाले बना रहे हैं, आप उसमें क्या लगा, कोई चीज बताए ना IMF की आपने क्या बनाई? यही तो मेरी ख्वाहिश है कि पिटीशनों पे पिटीशने डालते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कोई माई का लाल पिटीशन लगाए ना सुप्रीम कोर्ट में, बताओ भाई आज तक जो 85 बिलियन के कर्जे हैं पाकिस्तान के वो कहां खर्च हुए हैं, बताया ना यार। आज तो मुझे एक फायदा बता रहे हैं IMF के लोन, आप बता दें आपकी जिंदगी पे IMF के लोन का 8 बिलियन का क्या असर, पिछला जो आपने 4-6 बिलियन पहले लिया था आप तक वो पहुंचा है उसका, उसका उसके सम्राट उसका कोई फायदा आप तक पहुंचा? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं, कोई नहीं। गरीब का बच्चा तो मर रहा है, भूख से मर रहा है, सुबह का खाना खाता है शाम के लिए। सर ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं दिवालिया हो गया पाकिस्तान। दिवालिया तो हो जाता है ना जब आप किसी कर्जे को वापस देने की सलाहियत ना रखें, यही डेफिनेशन है दिवालिया, वो दिवालिया तो आप कब क्यों हो चुके हैं। लेकिन मुझे वो थोड़ा सा खत्म करते हैं मेरी इसी बात जी। 1 करोड़ तो पाकिस्तानी उन्होंने कहा जी गुर्बत की शरह से नीचे चला जाएगा, उनके मुताबिक आपका इस वक्त 9.8 करोड़ लोग हैं, जो 9.8 करोड़ वो पहले ही गुर्बत की शरह से नीचे हैं, उनका ये वर्ल्ड बैंक का। आपकी ग्रोथ उन्होंने कहा कि 1.8% पे आप GDP आपकी ग्रोथ करें।
हालांकि मैं इन नंबरों से एग्री नहीं करता, आप पहले भी अब 9.8 से नहीं 25 करोड़ की आबादी में से मेरे ख्याल में तो 20 करोड़ से ज्यादा लोग, बहुत थोड़े लोग हैं जो 5% लोग हैं जो आपको चला रहे हैं, जो लूट रहे हैं, जिनके तो जिनकी इनकम डॉलरों और पाउंडों में, वो तो तकरीबन 5,000-10,000 लोग, बाकी भी मेरा ख्याल है 5 करोड़ लोग होंगे जो आसूदगी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको फिक्र नहीं, परेशानी है, बाकी लोग तो गुरबत के जो हालात है पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे ये बताएं ना, अब 30% इसी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पिछले साल आपकी इन्फ्लेशन रेट आपका 30% रहा। मुझे एक और बात मैं जो खासकर आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड बैंक ने उसमें पता नहीं कहा था कि उन्होंने कहा मजदूर की दिहाड़ी सिर्फ 5% पड़ी और दूसरा उन्होंने जितने बच्चों का कहा है कि इतने बच्चे पाकिस्तान में स्कूल ही नहीं जा रहे, स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, कोई सोच ही नहीं लगा, कोई सोच नहीं। आज फिर मजीद कुछ और डिपार्टमेंट उन्हीं लोगों में बांट दिए गए हैं जिनको कहते हैं ये तनख्वाह नहीं लेंगे लेकिन उड़ा के रख देंगे। इस वक्त आपकी कैबिनेट सदर वजीर तनख्वाह तो कहते हैं ये तनख्वाह यार हमने लेके क्या करनी, इससे तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता, ड्राइवरों की तनख्वाह भी नहीं बनती, हमें तो खाबे चाहिए, खाबे वो तो करोड़ों और अरबों में खाबे लेकर आते हैं ना, वो तो इस तरह थोड़ी है कि वो बिल्कुल सर ये नई नौटंकी शुरू की, हर एक नोट के कह देते हैं जी हमने सैलरी नहीं लेनी, वो तो कहते ऊंट के मुंह में जीरा है भाई, वो तनख्वाह क्या है, वो तो 1.5-2 लाख तनख्वाह, 3 लाख तनख्वाह, इतने के तो पानी की बोतलें आ जाती होंगी जरदारी साहब के लिए, 5-6-10 लाख की तो बोतलें आ जाती होंगी, वो उनका इस पे क्या आपका क्या है, 3 लाख पे जरदारी साहब गुजारा करेंगे, कैसे मजाक करते हैं इस तरह के लतीफे, पता नहीं ये लोगों को क्यों सुनाते हैं ये, हालांकि उन्हें पता है कि आपके अखराजात क्या है, जो रेंज रोवर से गाड़ियां हैं, लैंड क्रूजर हैं जो 25-25 करोड़ की, उस पे तो 2 लाख का तो पेट्रोल ही पूरा होता, आप कैसे बातें करें, मजाक करते हैं ये लोग, चले 2.5 लाख जो 250 मिलियन, मैं हैरान हूं इस बात पे। आज एक और चुटकुला भी आपको सुनाना चाहूंगा जो लौंडे लपाड़े का, अगले जो पहली मीटिंग हुई है आपकी काजी फायज ईसा साहब के साथ, चीफ जस्टिस सुप्रीम, उनके साथ उनका स्टाफ बैठा था, साथ में रखा था कोई फीमेल जज बैठी थी, वो स्टाफ बैठा था, इनके इतने छोटे दिमाग हैं पीटीआई वाले जो लौड़ा लपाड़ा है, कहते हैं ये काजी फायज ईसा के साथ मीटिंग में उनकी बीवी बैठी हुई थी, अंदाजा लगा बगैर किसी रिसर्च के, बगैर देखने के, मेरे सो फार अपने तजर्बे के हिसाब से जो मैंने उनको स्टडी किया है, मेरी मुलाकात, काजी फायज ईसा इज अ जेंटलमैन, इज अ नाइस पर्सन और बहुत अच्छे वकील हैं, और उनकी जो ट्रेनिंग है जिस फैमिली से है उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, सो फार 2 लोगों के लिए अभी तक आरजू मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं उनके कोई खिलाफ बोल सकूं, वो स्कैंडल फ्री है अभी तक, काजी फायज ईसा और आपके आर्मी चीफ जो इस वक्त आसिम मुनीर है, स्कैंडल फ्री है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ा क्लोजली चीजों को वाच करता हूँ, मैं किसी और दो बंद ना, मैं जुडिशरी में किसी और बंदे के बारे में बात कर सकता हूँ तो ना किसी आर्मी वाले के बात कर, लेकिन इन दो का मैं पर्सनली जानता हूँ। मगर सर इमरान खान की पार्टी की तरफ ये लोग अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि एक बार फिर दोस्ती शुरू हो गई है एस्टेब्लिशमेंट की भी और पीटीआई की भी, कई केसेस भी इमरान खान के खत्म हो गए क्या दोबारा, और साथ ये गवर्नमेंट का भी एक कुछ नहीं पता लग रहा कि रहेगी नहीं रहेगी, बार बार यही सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को हटा दिया जाएगा कुछ दिनों में। मेरा इसके बारे में तजिया ये, किसी ने आज से कुछ अर्सा पहले पूछा था इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैंने कहा इलेक्शन हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप आज मुझे पूछे कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इमरान खान के साथ ये रिलेशनशिप ठीक कर ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना भी करें तब भी कोई फर्क, हाँ अगर मेरे ख्याल में इसका सलूशन जो अगर मुझसे पूछा जाए तो उनके साथ सख्ती से डील करना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने कल क्या किया, 9 मई से भी उन्होंने सबक सीखा नहीं है, कल उन्होंने मैं एक तो मुझे इतराज इस बात पे है कि इनकी मेच्योरिटी का लेवल जरा थोड़ा सा अंदाजा आप लगा लें कि मैडम बुशरा जब अडियाला पहुंची है जेल में जहां डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डेली बेस पे, ये जेल नहीं है ये तो दरबार है, दरबार लगता है पहले आपको 25-30 वकील आते हैं दरबार में पेश होते हैं, अपने अपने कसीदे गाते हैं, शेर सुनाते हैं, फिर बकरे चलते हैं, देसी मुर्गे चलते हैं, ये तो जेल थोड़ी, जेलों में इस तरह
जेलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं ये पूछना चाहूंगा, किसी जेल में डेली बेस पे हो रही है? मैडम पहुंची है तो मैडम ने जो अखबारों वाले मेरे भाईजान जर्नलिस्ट हैं वो आगे गए, उन्होंने कहा जी मैडम आपसे बात करें, उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, मैं सिर्फ एक यूट्यूबर से बात करूंगी प्रांगण से, वो वहां बैठा हुआ। उसने कहा तुम कौन हो? मैं जिस तरह उनका पहले नारा होता है ना, मेरे जज मेरे जर्नल, जर्नलों और जजों का रास्ता रोकने के लिए क्या क्या नहीं इन्होंने किया, क्या क्या नहीं किया, इनका तो जीएचक्यू पे अटैक इन्होंने किया अपने जर्नल के। चले आगे चले। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनके एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि पाकिस्तान के हालात भी समझाए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।